हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे क्योंकि आज T20 का दूसरा मैच है जिम्बाब्वे में, और उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि आज MS धोनी थाला ऑफ द रीजन उनका आज बर्थडे है, तो उनको हैप्पी बर्थडे आपका बोलना चाहिएगा MS धोनी। देखिए, हमारी तरफ से भी महेंद्र सिंह धोनी को शुभकामनाएं। हालांकि हम बोलने वाले कौन होते हैं, वो तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और तो हैं हम लोग। हाँ, फैन तो हम तो इंडियन क्रिकेट के हैं, एक पर्टिकुलर आदमी के तो है नहीं। महेंद्र सिंह धोनी की बात है तो उन्होंने ICC के 3 चैंपियन जीता है। अभी हालांकि IPL ही सिर्फ खेल रहे, बट अच्छे खिलाड़ी थे, फिनिशर अच्छे थे। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो अभी भी कहते हैं कि आप देख ही रहे होंगे, बट MS धोनी इंसान बहुत अच्छे है, उनसे बढ़िया इंसान मैंने नहीं देखा है। ये नहीं कह रहा कि बाकी सब है, लेकिन MS धोनी बहुत अच्छे इंसान है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2013 की बात है, ईशांत शर्मा को वो ओवर देना, रविंद्र जडेजा अश्विन से वो तो अवर, उनको अवर। पता रहता है कि कौन से सिचुएशन में वो रीड बहुत अच्छा करते हैं, और हालांकि उन्होंने भी मतलब बहुत सारे जैसा कि जो आज का मैच था और कल का मैच था उसमें क्या इंटरनल नहीं आया कि कल के मैच में 115 जो रन था इतना कम लक्ष्य, उसमें इंडिया डोमिनेट नहीं कर पाई, जो 102 रन पे ऑल आउट हो गया। सबसे पहली बात की कांग्रेचुलेशंस कि इंडिया डोमिनेट कर दी, जो 100 रन से जीता है आज का मैच, और आपके बाबर आजम फेवरेट प्लेयर की बात डोमिनेट आए तो मुझे हमेशा बाबर आजम की याद आ जाती है। अच्छे प्लेयर है बट क्रीज पे रहते तो जिता नहीं पाते, ये सबको मालूम है। हाँ, तो रही मजाक की बात अलग है, रही बात की अभिषेक शर्मा की, आपने SRH के देखा था, मैं इसमें देना चाहूँगा कि बहुत बोलेंगे कि इंडियन क्रिकेट कहते पैट कमिंस का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने माइंडसेट चेंज किया और आज आप अभिषेक शर्मा का रिजल्ट देख रहे हैं। क्योंकि SRH जो पिछले सीजन में जो कर रही थी वो इस सीजन में बेटर की है, तो अभिषेक शर्मा उसमें बहुत बड़ा योगदान है और मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं। एक ओपनर है वो कल 0 पे आउट हुए, आज 100 मार दिया, 2 कैचेस छोटे बट उन्होंने चालू रखा, तो ये अच्छी बात है। और उनके स्पिनर्स के खिलाफ जो लंबे लंबे छक्के थे, एक ओवर में शायद उन्होंने किसी को 28 रन मारा था, वहीं से उनका मोमेंटम शिफ्ट हो गया। मोमेंटम नहीं जो आप सुनते हैं मोमेंटम के बारे में, नहीं मोमेंटम तो बहुत अच्छा क्रिएट किए, क्योंकि पहला मैच में 0 पे आउट हुए थे और वही सेकेंड मैच में आके 100 रन मारना बहुत बड़ी बात है। एक जो युवा खिलाड़ी जो अपने अति डेब्यू हो रहा है उनका, जो सेकेंड ही मैच था। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, हालांकि पहला मैच में नर्वस थे वो दिख ही रहा था, फील्ड में उन्होंने शायद मिस फील्ड भी किए थे, बट उतना चलता है, अच्छे खिलाड़ी है और इंडिया के लिए अच्छा किए तो बहुत अच्छी बात है। अभिषेक शर्मा बॉलिंग ऑप्शन भी देते हैं, लेफ्ट आर्म आपके रविंद्र जडेजा भी रिटायरमेंट हुए हैं तो एक और बॉलिंग ऑप्शन दे दिए। जैसा कि आज सेकेंड T20 गेम था जिसमें इंडिया विन कर गया है, क्या जिम्बाब्वे वैसा आज प्रदर्शन नहीं कर पाया इंडिया के सामने जो पहले पिछले मैच में था, तो क्या बताना चाहेगा कि जिम्बाब्वे जो आज 100 रन से आ रही है, बहुत ही बड़ा विक्ट्री है इंडिया के लिए, तो मतलब जिम्बाब्वे यहाँ पे क्या नहीं कर पाए, जो सिकंदर राजा कप्तान, क्या कैप्टनसी में उनकी गलती हो गई, कहीं पे छूट गए वो। देखिए, सबसे पहली बात जिम्बाब्वे पिछले मैच में फील्डिंग बहुत अच्छा की है, इस मैच में उन्होंने फील्डिंग बहुत घटिया की है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। और फील्डिंग से क्या हो सकता है, अभी रिसेंट में आपने देखा ही होगा तो जिम्बाब्वे के आपके ब्लेजिंग मुजरवानी आपके इस बात में अच्छे दिखे, हालांकि बाद में भी वो अच्छे गेंदबाज थे, फिर आपके चटारा ठीक ठाक रहे, आखिर ऋतु राय गायकवाड़ में उनको चक्का तक कूटा, तो ओवरऑल मतलब जिम्बाब्वे का ये है कि थोड़ा इंटेंट में कमी नजर आया, और एक प्लेयर को टिकना चाहिए था तो स्टार्ट अच्छा मिल गया था जिम्बाब्वे को, बट उन्होंने विकेट लगातार खोल दिया, और ये स्कोरबोर्ड का जो प्रेशर होता है तो उसकी वजह से होता है, इसमें कोई बात नहीं है। और रही बात कप्तानी की, तो सिकंदर राजा एक मैच से थोड़ी खराब हो गया, पिछला मैच देखिए इंडिया को इतने कम स्कोर पर रोकना बहुत बड़ी बात है, और आपके कैंपल्स हो गए, फिर आपके बेंजी हो गए, बेंजी अच्छे खिलाड़ी है, मधुवीर थोड़े
है वो भी अच्छी खिलाड़ी, बट बहुत मैचेस हो गए, इतना टैलेंट कब तक रहेगा पता नहीं उसका। कैंपर जो 20 रन वो अच्छा नहीं खेल पाए, तो अब के है अच्छे खिलाड़ी। मैं तो बेंदे से बहुत दिन बैठ हूँ कि वो शॉट्स पर तगड़े तगड़े मारते हैं, वो अच्छे खिलाड़ी जिम्बाब्वे के लिए। उम्र ही उनके शायद 20-21 साल होगी, तो ये सब है। सिकंदर रजा लीड करते हैं, अब पूरी टीम यही बात है, सिकंदर रजा के ऊपर ही पूरी बात आ जाती है। चले तो ठीक है, नहीं चले तो तभी ठीक है। लेकिन ये जिम्बाब्वे का जो है, मतलब जो ओपनिंग डिपार्टमेंट है उनका, वो हर बार फ्लॉप खा जा रहा है। दोनों मैच में वो उतना रन नहीं कर पाए, क्योंकि शुरुआत में ही विकेट दे देते पहले ओवर या सेकेंड ओवर में। देखिए तो उनको क्या करने का जरूरत है। देखिए इनोसेंट कालरा की जहां तक मैं बात करूं, तो उन्होंने 2022 में शतक मारा था, वो अच्छे खिलाड़ी है। बट आप अभी एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ओपनर्स तो भाई कभी भी आउट हो सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि हाँ थोड़ा तो ये है ना कि देखिए पिछले मैच में भी यही था कि अच्छा स्टार्ट में गया था, आपने खुद देखा था, बट फिर कोलैप्स हो गया। तो यही जिम्बाब्वे की दिक्कत है। जिम्बाब्वे अगर विकेट संभालेगा तो आई थिंक, हाँ तो वही बोलना चाह रहा है कि जो विकेट वो संभाल के शुरुआत में खेल सकती है अच्छे से, क्योंकि उनके जो पीछे खिलाड़ी हैं वो तो रन कर सकते हैं, तो शुरुआत में विकेट संभालने का जरूरत है जिम्बाब्वे को। हाँ शुरुआत में विकेट संभालने का जरूरत है, बट वो तो आज जो इंडिया में भी तो हुआ कि शुरुआत में शुभमन गिल जो जल्दी आउट हो गए, वो उनको थोड़ा रुक के खेलना चाहिए था। देखिए ओपनर का काम है सबसे पहला इंटेंट, हमने पिछले मैच में क्या कहा था, इंटेंट होना चाहिए। आपका एक ओपनर आउट हो जाए तो नंबर तीन है, ऋतुराज गायकवाड़ अच्छे खिलाड़ी है, तो नंबर तीन की थोड़ी जिम्मेदारी होती है। बेंदे अच्छे कर रहे हैं बट उनकी वो पारी नहीं आ रही है, उनके शॉट्स आपने देखे हैं, अच्छे खिलाड़ी है बेंदे। तो मैं जिम्बाब्वे को ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, नई टीम नहीं है हालांकि बहुत पुरानी, लेकिन अब रिसेंट में कुछ कुछ टीमों को T20 मैच देख के लग रहा है कि बहुत अच्छा कर रही है जिम्बाब्वे टीम। हाँ ये बात के लिए तो आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, पिछला मैच में इतना कम स्कोर पे रोकना भी बहुत बड़ी बात है, और उनके विकेट कीपर भी शायद आज नहीं चल पाए जो पिछले मैच में अच्छा खेल रहे थे। तो पूरी जिम्मेदारी यही है कि जिम्बाब्वे ठीक ठाक खेली और अच्छा फाइट देगी। आप दो मैच देखे अभी, तीन मैच बाकी है, उसमें भी सरप्राइज कर सकती है, सरप्राइज कर सकती है। और ये मत बोलिएगा कि जिम्बाब्वे सीरीज ही सब टीम की, उन्होंने दम दिखाया है, 50-50 चांस है जो सीरीज जाने। हाँ अभी देखिए अभी के हिसाब से आपको लग रहा होगा कि ये ऐसे है, लेकिन T20 ना किसका सगा नहीं होता है, मतलब किसी तरफ जा सकता है। अरे हाँ आप शुरुआत देख लें जिम्बाब्वे के, आपको लगा कि अच्छा स्कोर होगा, विकेट तो गिरी ना, तो वही दिक्कत होता है। और साथ ही साथ बात करना चाहेंगे रवि बिश्नोई के बारे में, जो अच्छे लेग स्पिनर इंडिया के, और दो मैच में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन उनका रहा है। जिस तरह से वो बॉलिंग करते हैं आके, जो मिडिल ओवर में या शुरुआत में भी आ जाते हैं, जो पावर प्ले खत्म होता है उनका, तो वो जो उनका इंटेंट होता है, वो प्रॉपर बॉलिंग, वही लेंथ रखना, और बार बार गुगली बॉल जो क्रिएट वो रखते हैं अपने बैटर के पास, तो उनका भी इंटेंट देख के लगता है कि विकेट में उनको प्रॉपर मिलता है। तो क्या उस पर रवि बिश्नोई के बारे में बताना चाहेंगे आप? देखिए सबसे पहले रवि बिश्नोई की बात की तो 2020 बैच के थे जो इंडिया फाइनल खेला था, वहीं से उनका मतलब अच्छे बॉलर्स है, और जहाँ तक वो लेग स्पिनर नहीं वो गुगली बॉलर है। और मधुवीरा को भी इस बार आउट किया आई थिंक, सही उन्होंने पिछले मैच में मधुवीरा भी परेशान हो गए थे, और जिम्बाब्वे लेग स्पिन पे हमेशा फंसती है, ये इतिहास बताता है। आपके 2013 में अमित मिश्रा के 18 विकेट थे 5 मैचेस में, जो जिम्बाब्वे नहीं खेल पाते लेग स्पिनर्स के खिलाफ, जिम्बाब्वे का प्रॉब्लम है। लेकिन रवि बिश्नोई एक जिक्र वाला है, आई थिंक वो इंडिया को सर्व कर सकते हैं, और सुपर ओवर कैसे भूल सकते हैं, वो जो अफगानिस्तान के खिलाफ हुआ था, जो दो लगातार सुपर ओवर हुआ था, जिसमें लगातार दो बॉल पे दो विकेट लेना। हाँ, इंडिया के तरफ इसी से बताते हैं रवि बिश्नोई कितने अच्छे हैं, हालांकि उनको वर्ल्ड कप जाना चाहिए बट नहीं गए, अनफॉर्चुनेट है। एक्सपीरियंस के बेस पे उनको चहल को उनको जगह लिया गया, प्रेफरेंस दिया गया, और इसमें कोई खराब बात नहीं है, क्योंकि अभी रवि बिश्नोई की उम्र ही कितनी हुई है, अभी युवा खिलाड़ी हूं। और रवि बिश्नोई फील्डर भी ठीक ठाक है, हालांकि जान लगाते हैं बट उनसे मिसफील्ड हो जाता है, कोई नहीं कोई धीरे धीरे वो भी मतलब सीख रहे हैं फील्डिंग। ये रवि बिश्नोई के बारे में, और क्या आप पूछना चाहेंगे कुछ और रवि बिश्नोई के बारे में? कि वो जो बॉलिंग करते हैं
क्या लगता है कि उनके अभी जो अभी आ रहा है, जो आगे वाले T20 आ रहे हैं, बहुत सारे जो सीरीज हैं, उनमें क्या उनका जगह पक्का रहेगा टीम में, या उनके जगह पे भी चहल को देखा जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात, आपके रोहित शर्मा और विराट कोहली अभी रिटायरमेंट हो गए, जडेजा रिटायरमेंट, तो आप, मैं ये कहूँगा चहल अच्छे गेंदबाज, बट आप फ्यूचर की तरफ देखिए। आप 2026 का वर्ल्ड कप 2 साल बाद है, उससे पहले शायद चैंपियंस ट्रॉफी है जो अभी चल रहा है, बात उसकी उसकी भी बात हम लोग करेंगे दूसरे वीडियो में, दूसरे वीडियो में। लेकिन अभी जो मैच हो रहा है कि मार्केट में क्या खबर चल रहा है, वो सारी बातें हम करेंगे। तो रंग इतने अच्छे हैं, आप वही साथ साथ देखिए रहा है हर मैच में लगातार जो बॉलिंग। देखिए मुकेश कुमार डेथ ओवर्स में उनके देखा हूँ, IPL में अच्छे अच्छे यॉर्कर्स डालते हैं, अच्छे हैं। अभी शायद बेंजे भी एक अच्छे खिलाड़ी हैं, छक्के वापसी अच्छे की, वो अच्छे गेंदबाज हैं। आप मुकेश कुमार का जो बॉलिंग लेंथ है, जो वो लेंथ पकड़ते हैं वो अपना, तो क्या मतलब कि वो क्या वेरिएशन भी की उपयोग करते हैं, या कि वो सीधा लगते हैं सिंपल बॉल? देखिए मुकेश कुमार सबसे उनके पास ज़्यादा आई थिंक पेस नहीं है, बट इतने भी है दो कौड़ी के जो है अपने आप को नंबर वन बोलते हैं, उनसे तो बेटर ही है ना, आप जानते हैं कि हम किन की बात कर रहे हैं। तो मतलब क्या लगता है मुकेश कुमार को कि जो T20 है उनमें उनका स्थान फिक्स है, या कि जो न्यू जो पुराने बॉलर हैं? देखिए इधर तो कप्तान का इधर आता पता नहीं है, अभी SSB जायसवाल अच्छा खेल रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ भी अच्छा खेल रहे हैं, जो अभी आप तो स्थान का तो कोई गारंटी है नहीं, एक दो मरी क्योंकि इतना सारा यंग प्लॉट है। अभी मैं देख रहा था कि नवीनिया के खिलाफ 10 विकेट से अपनी टीम जीती है, डोमेस्टिक टीम, अब बताइए इससे बड़ा टैलेंट क्या हो सकता है। तो यहाँ पे टैलेंट तो बहुत है इंडिया में, लेकिन यही है कि कौन स्थान बना पा रहा है। आप USA को ले लीजिए, अरे वहाँ पे भी इंडियन प्लेयर है, अच्छे अच्छे प्लेयर है। वो याद है शाहीन शाफरीदी को जो मुनाक पटेल